पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक के नौगांव खाल मथाना मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां स्कूली बच्चों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर 80 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और सभी को कोटद्वार के राजकीय बेस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं घायल छात्र का कहना है कि ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ड्राइवर थे ना, उन्होंने ना दारू पी रखी थी और उन्होंने उन पीछे अंकल बैठे थे, उनको कहा कि बल्कि इधर आओ बोले, तो मैं ड्राइविंग सीखने का बहुत शौक है ना, तो यहाँ पे बैठ के बल गाड़ी चला, और उन अंकल जी ने मोड़ पे गाड़ी नहीं चलाई। उसमें 3 घायल हमारे पास आए हैं, 3 बच्चे हैं। जो बड़ी लड़की है उसकी राइट क्लेविकल में फ्रैक्चर है और वो मैनेज हो जाएगा, यहाँ पर सीरियस नहीं है पेशेंट। और एक बच्चा और है जिसके हेड इंजरी है, लेकिन वो बेहोश नहीं है, कॉन्शियस है और वो भी मैनेज हो जाएगा। और एक बच्चा है इसके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है, वो बोन फ्रैक्चर है, बाहर से ओपन वुंड है, तो हो सकता है उसको भेजना पड़े, लेकिन पेशेंट स्टेबल है, वो कल भी भेजा जा सकता है। आज भी अगर जाना चाहते हैं तो हमने एम्बुलेंस तैयार कर रखा। फिलहाल घायलों को राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है और घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।